पता नहीं क्या हुआ, लेकिन चलते चलते एकदम से बंद हो चुका है मोबाइल। मतलब तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कल भाई आपने देखा था, हम प्रयागराज से निकल के आ चुके थे और भाई कल हमने दर्शन करे थे संगम के और लिट्टे हनुमान जी के, दर्शन करके आ चुके थे और तकरीबन प्रयागराज से 30 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं। मतलब शाम को निकले थे भाई 5 बजे समथिंग, फिर भी 30 किलोमीटर कवर कर दिया था। और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आके रुके हुए थे हम, और यहाँ पे हमारी साइकिल वगैरह एकदम रेडी है और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और हाँ भाई, रात को अच्छे से भाई नींद नहीं पूरी हुई है, मतलब तकरीबन 2-2.5 बजे सोया था मैं, तो नींद पूरी अच्छे से नहीं हुई है। और सुबह भी उठ चुके हैं 4 बजे समथिंग, आपस उठ गए थे तो नींद नहीं चुकी, आँखों में आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो यही सीन है, और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं मिर्ज़ापुर के लिए। आपको मैंने कल बताया नहीं था, तो मिर्ज़ापुर के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, विंध्याचल माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे का आगे बताएंगे। तो बस भाई वीडियो में बने रहिए, चलिए चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा था भाई, हम पेट्रोल पंप से निकल के आ चुके थे और पेट्रोल पंप से तकरीबन 20 किलोमीटर इधर आ चुके हैं, मतलब बीजापुर की साइड। और बस भाई अभी यहाँ पे हम ये पेड़ वगैरह के नीचे बैठे हुए थे, महुआ के पेड़ के नीचे, और साइकिल वगैरह हमारी यहाँ पे खड़ी है कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी हमारा बनाने वाले खाना, तो खाना वगैरह बनाते भाई अभी, और खाना वगैरह खा के फिर अभी निकलते हैं। और भाई जा रहा है वहाँ पे पानी लेने, और अभी हम जब तक प्याज वगैरह लहसुन वगैरह करते हैं, काट के रखते हैं, फिर उसको पानी आने के बाद बनाते हैं। सो गाइस, अभी भाई अभी चावल हमारी बन रही है, बनने के लिए भी छोड़ दिए, आप देख सकते हो नीचे चालू है। अरे हवा चल रही है भाई, और भाई डेली की डेली भाई चावल हो रही है। अभी सोच रहे हैं थोड़ा बहुत बड़ा बर्तन ले लिया जाए ताकि बनाने में आसानी हो भाई। इसमें क्योंकि ना चावल भी कम आती है, और मतलब झटपट 2 जन का एग्जस्ट हो तो जाता है भाई, लेकिन चावल और अभी थोड़े बर्तन हो जाएंगे तो भाई रोटी वगैरह ही बना लेंगे, और साथ में सब्जी रोटी चलती रहेगी, दाल रोटी चलती रहेगी, तो थोड़ा ठीक रहेगा भाई, क्योंकि इतना लंबा ट्रेवल करना वो सिर्फ चावल के भरोसे नहीं हो सकता है। अभी तो भाई 2-3 दिन से प्रयागराज वगैरह में खा रहे थे, मिल रहा था खाना तो खा लिया था, अभी बना रहे हैं। तो बस भाई बन रहा है अभी, बनने के बाद दिखाते हैं आपको। सो गाइस, फाइनली भी हमारा खाना बन चुका है और खाना स्टार्ट भी हो गया हमारा, और भाई डाल रहा है मिर्ची, और ये देखो भाई ये एकदम टेस्टी बनी है, मज़ा आ गया खा के। और अभी खाते हैं भाई, फिर आपसे मिलते हैं। कैसा लगा? बढ़िया। सो फाइनली दोस्तों, अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है और अभी भाई अभी निकल रहे हैं। मौसम भाई थोड़ा सा सुहाना हो चुका है, मतलब बारिश वाला हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो हवा काफ़ी चल रही है अभी यहाँ पे। तो चलिए भाई, अभी हमने ज़रा जैसे तैसे करके तिरपाल तो ढूंढ लिया है, यहाँ पे मिला हमें जो एक थैली नहीं होती है उस टाइप का। सो फाइनली गाइस, अभी हम निकल के आ चुके हैं और भाई बारिश हो रही है इधर इधर भाई, बारिश पहले हो चुकी है। और ये रहा रेलवे स्टेशन, जैसे कि आप देख सकते हो। और भाई अभी बारिश हो रहा है एकदम, हो भी है यहाँ पे, लेकिन हम अभी आए हैं तो यहाँ पे नहीं हो रही है, बस नॉर्मल से छींटे गिर रहे हैं। ये सीन है भाई, रेलवे स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, और रोड भी बहुत प्यारा भाई, जिगजैग वाला है। तो चलिए चलते हैं अभी आगे के लिए, आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं भाई। आज तो भाई ऐसा प्लान तो था मिर्ज़ापुर पहुँचने का, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा बहुत लेट हो गए भाई, और क्या, वो तो आपको पता है, वीडियो एडिटिंग करते करते हो जाते हैं लेट हम, तो यही सीन था। और चलिए अभी आगे चलते हैं। तो भाई जैसे कल आपने देखा था भाई, हम मिर्ज़ापुर के लिए निकल चुके थे और भाई कुछ इस तरीके की लोकेशन पे आके रुके हुए थे रात को, इसे पेट्रोल पंप पे आप देख सकते हो। और भाई यहाँ से मिर्ज़ापुर बचा है मात्र 25 किलोमीटर, तो भाई जल्दी से क्रॉस करते हैं और आज मिर्ज़ापुर पहुँच जाएंगे। और भाई इससे कल मैंने आपको बताया था, भाई का मोबाइल भाई थोड़ा ख़राब हो चुका है, पता नहीं भाई पानी लगाया फिर क्या लगाए भाई, ऐसे पानी लगे इस जगह पे तो रखे नहीं थे, रेनकोट वगैरह के अंदर रखा हुआ था, और पता नहीं क्या हुआ, लेकिन चलते चलते एकदम से बंद हो चुका है मोबाइल। मतलब सिस्टम चल रहा है लेकिन बस भाई स्क्रीन नहीं चल रही है, तो पता नहीं क्या हुआ है। अभी देखते हैं, सैमसंग के सर्विस सेंटर पर जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर मोबाइल दिखाते हैं, तो मिर्ज़ापुर जाके दिखा पाएंगे। तो चलिए भाई मिर्ज़ापुर निकलते हैं, अभी यहाँ से निकल रहे हम, टेंट वगैरह हमारा एकदम फोल्ड कर लिया हमने, साइकिल वगैरह यहाँ पर रेडी है, तो चलिए भाई चलते हैं।
तो कैसे अभी हम पेट्रोल पंप से निकल के आ चुके हैं और भाई अभी विंध्याचल यहाँ से भाई मात्र बचा हुआ है 7 किलोमीटर। और भाई यहाँ के जो नज़ारे देखो, काफ़ी प्यारे नज़ारे हो रखे हैं कि आप देख सकते हो। ये देखो भाई, इधर ये जो मंदिर है शायद तक यहाँ पे, और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है भाई, एकदम हरियाली वाली, जैसे कि आप देख सकते हो भाई। और भाई अभी तक यूपी में ज़्यादा आपने पहाड़ नहीं देखे होंगे, लेकिन ये रहे पहाड़, जो कि छोटे मोटे हैं, आगे आके बड़े भी आएंगे तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल में तो ये देखो, तो फाइनली गाइस अभी हम मिर्ज़ापुर में एंटर हो चुके हैं। और भाई अभी विंध्याचल माता जी के मंदिर अभी नहीं गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा भाई का मोबाइल, जैसे मैंने आपको बताया था, भाई का मोबाइल थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो अभी बस भाई मोबाइल सर्विस सेंटर पे ले जा रहे हैं, मोबाइल बताते हैं, उसके बाद सही हो जाएगा तो माता जी के मंदिर पर जाएंगे। अभी फ़िलहाल में तो अभी जा रहे हैं इधर आगे, जैसे कि आप देख सकते हो भाई अभी मिर्ज़ापुर में हम एंटर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही जानी मानी जगह है। सो गाइस अभी तो भाई हम मिर्ज़ापुर से निकल के आ चुके हैं, और भाई सर्विस सेंटर के चक्कर में भाई 10 किलोमीटर मिर्ज़ापुर से आगे आ गए हैं, और अभी सर्विस सेंटर पे काम नहीं हुआ है, और अभी बनारस पे जा रहे हैं, और भाई माता जी के दर्शन नहीं हुए हमारे, तो इसी ने भाई आपस जाते हैं 10 माता जी का मंदिर भाई तकरीबन 15 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ चुके हैं, और मिर्ज़ापुर 10 किलोमीटर छोड़ के आ चुके हैं, तो इसलिए अभी आगे का टूर कर रहे हैं। अभी यहाँ से जा रहे हैं हम बनारस के लिए, और भाई यहाँ पर हमें कुछ भाई लोगों ने मिले जिनसे आपको मिलाते हैं। ये रहे भाई हमारे, तो भाई जी क्या हाल चाल है? तो भाई उन्होंने हमें अभी यहाँ पे भाई नाश्ता वगैरह कराया है, समोसा वगैरह खिलाए, तो भाई थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा हमें, थैंक यू सो मच। तो भाई अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं बनारस के लिए, क्योंकि तो भाई अभी आपस जा नहीं सकते हैं यहाँ से, अभी हमारा काम जो कि आकाश का मोबाइल घूम गया, मैंने आपको बताया था, तो मोबाइल सही नहीं होगा जब तक भाई कहीं पर भी, क्यों भाई, क्योंकि एक पे प्रॉब्लम आती है तो भाई दोनों को फेस करना पड़ती है, तो जैसे कि भाई का मोबाइल घुमाए तो अभी हमें भी देखना पड़ेगा उसका मोबाइल फटाफट रिपेयर करवाए, ये सीन है। और अभी हम यहाँ से आ रहे हैं बनारस के लिए, तो देखते भाई बनारस यहाँ से तकरीबन बचा है 70 किलोमीटर, तो चलिए चलते हैं अभी। सो गाइस भाई अभी हम मिर्ज़ापुर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम रुके हुए हैं, जो कि ये रहा, और भाई यहाँ पे हमें कुछ भाई लोगों मिले हैं जिनसे आपको मिलाते हैं, जो कि ये रहे हमारे भाई लोगों, जो कि भाई यहाँ पे भैया जी का बर्थडे किनका भैया जी, तो हमारे भैया जी का बर्थडे है भैया, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत अच्छा लगा भैया। और भाई यहाँ पे आके इन लोगों से हमने मिले और हमें यहाँ पे बर्थडे में इनवाइट किया है, तो भैया जी थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। अभी हमें पता ही नहीं था भाई, एकदम से यहाँ पे हमें भैया लोगों ने मिले, तो उन्होंने बस भाई अंदर बुलाया जस्ट, और वीडियो बनाने का बोला, और वीडियो बनाते थे भाई, भैया जी का बर्थडे था यार भाई, तो बस भाई बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा लगा हमें, भैया ने बर्थडे में इन्वाइट किया, और भाई अभी जस्ट हमें केक खा रहे हैं, तो चले भाई केक खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, भैया जी से मिलाते हैं अच्छे से, मुलाकात कराते हैं आपकी, तो चलिए। सो गाइस अभी यहाँ पे हमें भैया जी ने यहाँ पे खाने पे इनवाइट किया है, तो भैया जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे भैया जी यहाँ पे बैठे हुए दर्शन किए थे, बहुत अच्छे भैया। तो भाई ये देखिए स्पेशल भाई पनीर खिला रहे हैं भैया जी, तो भैया जी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे भैया जी का बर्थडे है, तो भैया हैप्पी बर्थडे एक बार फिर से कमेंट में भी हैप्पी बर्थडे भाई लिखना कमेंट में।